में, और ये देख सकते हैं हमारे गेहूं का क्या हाल हो गया है। बारिश और आंधी के चलते सारे हमारे फसल बर्बाद हो गए हैं, देख सकते हैं पीछे सब खत्म हो गया है। काफ़ी तेज़ आंधी आई थी 2-3 दिन पहले, और काफ़ी बारिश भी हुई है जिसके चलते हमारा सारा गेहूं का फसल बर्बाद हो गया है। क्या कर सकते हैं यार, ये कोई अपने हाथ का चीज़ तो है नहीं, आंधी को रोका नहीं जा सकता, ना ही बरसात को। काफ़ी मेहनत किया था हम लोगों ने, लेकिन सब बर्बाद हो गया, सारा गिर गया आगे हूँ। तो आया था मैं इधर खेत में देखने के लिए, तो देखने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि हाल सोच सकता है। इतने दिनों से हमने मेहनत करके फसल उगाया था, और एक ही बार में सारे बारिश में सब गिर गया। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। ये देख सकते हैं पीछे की तरफ क्या हाल हुआ है गेहूँ का, सारा लीट गया है नीचे की तरफ बिल्कुल, क्योंकि बारिश के साथ साथ आंधी भी और ओले भी गिरे थे बहुत ज़्यादा हमारे इधर। तो ये खेतों में देखिए गेहूँ पूरा बर्बाद हो रखा है, क्या करेंगे यार। ये देख सकते हैं आप पीछे हमारे सारा गेहूँ पूरा ज़मीन पर लेट गया है, और ऊपर से ओले भी गिरे हैं बर्फ, जिससे काफ़ी वो टूट 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 के पूरा बिखर सा गया है, सूख गया है खेत में। फिर भी क्या करें, जो भगवान देंगे हमारे फसल में वही ले जाएंगे काट के आखिरी में। तो कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा आप लोग।